माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये जो होते हैं ना चार पाई के ऊपर सर वाली साइड पे और पांव वाली साइड पे होते हैं इनको। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और ये दो रोशनदान मैं लेके आया हूं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और दुआ भी करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बहन भाई देखने वाले सब खैर से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर से हैं। हाँ जी, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हाँ जी, तो आज हम सुबह सुबह मेरा झगड़ा हो गया, बहुत ही शदीद झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं ना देख रही थी, मैंने कहा बरामदा बहुत छोटा है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसके लिए भी होता है ना चार पहिया बंदा रख के, तो उनका भी मसला हल हो जाता है। लेकिन ये जो है ना मुझे छोटा सा लग रहा था, मैंने कहा ये हमारी चार पहिया तो आ जाएंगे, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनकी चार पहिया कहाँ रखेंगी। तो ये कह रहा था नहीं बरामदा बड़ा है, तो मैं जब हमारे गेस्ट आ जाएंगे ना फिर हम उनको अपनी चार पहिया बाहर ले जाएंगे खेतों में और गेस्ट को बरामदे में सुला देंगे। तो यही तो मसला, अगर बारिश वगैरह होती है तो मैंने कहा बरामदा इतना हो कि अगर गेस्ट वगैरह मतलब एक दो आ भी जाते हैं। चोट तो नहीं लगी? हाँ बेटा, और हरकतें किया करो, नीचे ईंट पड़ी हुई है, नीचे ऊपर जानबूझ के इसने पांव रखा है। हाँ तो खेल रहा था, ख्याल किया करो, चोट भी लग गई होगी। लगी तो नहीं है, हरकतों की वजह से। हाँ? चोट लगनी थी ना, लगी तो नहीं है। हाँ चलो ठीक है, शुक्र है ये मुंह में लग गई है। यही तो बात है, हरकतें करता रहता है। ना किया करो ना शरारतें, ना किया करो शरारतें। अभी मेरा चश्मा तोड़ोगे मच्छरों के लिए, इसको बस ऐसे चलो तुम के गिर जाओ, इसको संभाल। मच्छरों के लिए मैंने लिया हुआ है, इसलिए की वजह से आप गिरने वाले थे, ख्याल किया करो, एहतियात किया करो, ठीक है? चलो आप भी सलाम कर दो, इधर सलाम कर दो, चलो सलाम। अच्छा सही है। तो मैं इस वजह से इसको कह रही थी बरामदा छोटा है, तो कह रहा था कि जब बन जाएगा तो फिर देखना। हाँ, क्योंकि अभी जो है ना क्योंकि वो दीवार पूरी जो है ना इस साइड वाली, वो पिलर जो जिस साइड पे होते हैं वो नहीं बने, क्योंकि इसलिए ना इसको छोटा लग रहा है वैसे। हालांकि मिस्त्री ने मुझे बताया है कि 8 और 9 फुट का बरामदा होता है चौड़ाई में, लंबाई आप जितना रखवा सकते हैं, तो जितना आपके पास जगह हो। तो मैंने जो है ना 8-9 फुट का उसने बताया है, तो मैंने तकरीबन ना 11 फुट रखवाया है। तो आप खुद देख लें 9 फुट कहाँ पे और 11, मैंने 2 फुट पूरे जो है ना वो बढ़ा के रखवाए हैं, और उसके आगे जो है ना एक शेड बनता होता है सीमेंट और बजरी के साथ, तो मैंने 2 फुट का वो शेड भी रखवाया है, तो बारिश जो है ना वो नहीं आएगी, ठीक है? मैंने फुल सब कुछ ना रख के जहन में फिर मैंने तैयार करवाया है। तो अच्छा, बस ना आप सोच समझ के बनवाना, क्योंकि हाँ तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको पता है आपके साथ बारिशों में मैं भी भीगता था तो वही तो मुझे है, और मच्छर मुझे भी काटते थे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरामदा बन जाएगा ना, फिर जब बारिश होती है तो हम अपने बरामदे में सो जाया करेंगे। हाँ, क्योंकि जब बारिश होती थी ना फिर हम कमरे में सोते थे, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा बारिशें होती है ना, तो फिर हम चार पाई अपनी अंदर ले जाते थे, अंदर फिर इतना शदीद गर्मी होती थी कि हम बस सो नहीं सकते थे, बस बैठ के गुजारते थे जब बारिश आती थी। तो फिर जो है जब बारिश रुकती थी फिर हम बाहर आ जाते थे, तो हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं थे, तो हमने जो है ना बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे अच्छे दिन जो है ना वो आना स्टार्ट हुए हैं, तो अल्लाह पाक का ये भी लाख लाख शुक्र है। हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का वो बहुत कम है, और आप बहन भाई सब हमें सपोर्ट करते हैं, तो आप सबकी भी बहुत बहुत मेहरबानी है। इसी तरह हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें सपोर्ट करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ना अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है। हाँ जी, आप हमें सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, तो आप भी आपकी भी हमेशा अल्लाह पाक ख्वाहिशात जो है वो पूरी करे। हाँ जी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपने भी कहना है कि बरामदा सही है, मुझे आपने ना गाइड करना है, तो मुझे तसल्ली देनी है कि वाकई सही है ये। मैं अभी ना इंची टेप लेके मैं इसको मैच करवा देता हूँ, ये ना नहीं मानेगी ऐसे, यहाँ पे इसके अंदर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है इंची टेप, क्योंकि चलो यहाँ से पकड़ लो, तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा। चलो पकड़ो इसको, चलो उधर चलो, मैं आपको ना बहन भाई, चलो मैं जरूर जाना है उधर, मैंने बहन भाइयों को भी चेक करवा देता हूँ, आपको भी चेक करवा देता हूँ। देखो दीवार के साथ तो पिलर तो वो वाले तो आगे हैं, ये देखो ये है 10 फुट, ये 10 फुट है, ये देखो अंदर, ये हमारी दीवार है बरामदे की, तो ये 10 फुट है, मैंने आपको कहा ना 10 फुट,
तो यहाँ पे देखें अगर हम बाहर बाहर पैमाइश करेंगे तो 11 फुट है ये, 2-3 इंच कम है, 9 इंच की ईंट होती है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, इधर आओ, अभी ये पिलर है आपका, ये वाला पिलर है, आ जाओ। अभी ना ये मैं सारा इसको समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी समझेगी नहीं, ख्याल करो ऊपर आ जाएगा, टियर को ना पकड़ो आप, ये समझेगी नहीं, लेकिन फिर भी ना मैं कोशिश तो करता हूँ समझाने की, जब बनेगी फिर इसको समझ आ जाएगी। तो अभी ये देखें, ये है 10 फुट, ये 10 फुट है, यहाँ पे आपका पिलर आएगा इस जगह के ऊपर। हाँ तो फिर आप ऐसे ही खाम खा रोला पा रही हो, रोला नहीं, चारपाई बस इधर तक आएगी हमारी, ये दरवाजा हमारा बंद हो जाएगा फिर अगर चाहिए। यार चारपाई जरूरी तो नहीं है कि दरवाजे के अंदर आगे ही डाल दो चारपाई। मेरे सर पे डाल देना आप चारपाई। ऐसे ही ना वो बस औरतें, औरतों जब बन जाए ना औरतों को घर में लेके तब आना चाहिए, पहले लेके ही ना नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ना उनका दिमाग वो छोटा छोटा होता है, तो वो ना बस छोटा छोटा सोचती है। मैं ये सोच रही, मैंने कहा वहां पे पिलर आ गया, ये अगर चार पे रखते भी है तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा, मैं ये सोच रही थी ना। मैं सब औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अक्सर हमारे बहन भाई समझदार भी हैं, अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं, तो मैं उन पे अमल भी करता हूँ, लेकिन ये जो है इसका दिमाग कुछ छोटा सा ना वो बस छोटा है, तो बस ऐसे छोटी छोटी बातें करती है ये। चलें कोई बात नहीं, समझ जाएगी, समझा तो रहा हूँ। अब 10 फुट का बरामदा बहुत बड़ा होता है, आपको पता है 6 फुट की चारपाई होती है, तो चारपाई के अलावा भी 4 फुट जगह बचेगी और आगे 2 फुट का शेड भी आ जाएगा, तो बारिश कहाँ पे आएगी? ये कह रही है कि बारिश आएगी, कब नहीं आ सकती बारिश, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने दुआएं भी करनी है, तो आप सब ने बताना भी है कि सही है कि नहीं है, और 10 फुट का बरामदा है, 6 फुट की चारपाई होती है, तो हमने क्या गलत किया है? अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। ये सर मास्क लेके जाना है, ये लो, और क्या सामान लेना है? बस ये था। अभी ना धूप निकलने वाली है, तो इस बैटरी को उठा के ना उधर लगा देते हैं चार्ज पे, बैटरियों के प्लेटों के ऊपर, तो जब वो आएंगे ना मिस्त्री, तब तक ये चार्ज हो गई होगी कुछ ना कुछ, फिर जो मोटर है ना हमारी वो चलना शुरू हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं अम्मी वालों के घर, क्योंकि अभी मिस्त्री आने वाले हैं ना, तो फिर मैं इनको जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, फिर मैं दोबारा आ जाऊँगा वापस, और मैंने फ्रेश भी होना है और कुछ सामान भी लेने के लिए जाना है, जो कि आज सामान इस्तेमाल होगा हमारा, और मामू भी ने भी रक्षा निकाल लिया है, और इसको भी कहना है कि आज हमें सामान निकलवाना है तो आपने लोड करके आना है, तो मैं अक्सर ना इसको देता हूँ सामान, और ये लेके आता है मेरा मामू, मेरा छोटा मामू है सबसे, मेरी एज का है वो भी। आराम जाना पतंग उड़ा रहा है ये देखें, और माशाल्लाह सुबह हो चुकी है, कितनी प्यारी प्यारी सुबह है, तो ये देखो भाग रहे हैं हम, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे अम्मी वालों के घर, ये देखें वो कोई बात नहीं चला जाए, देखे सूरज कितना प्यारा लग रहा है, अलहम के काम चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने ना खाना जाना वो खा लिया है, आप किधर जा रही हैं? मैं आपको चाय दे रही हूँ। हाँ चाय थोड़ी सी मैं पीऊंगा, क्योंकि वो ना आपको पता है हाजमेदार होती है, तो अभी मैंने खाना खाया है थोड़ी सी पी लेता हूँ, तो थोड़ा हाजमा हो जाएगा, उसके बाद जो है ना हमने चलना है शहर, वहां थोड़ा सा काम है, फिर आपको भी दिखाएंगे वो क्या काम है ना। मुझे क्या पता क्या काम है आपको, वैसे तो घूमने जाती हो आप, काम से ना चोरी भाग जाता है, मुझे काम ना करना पड़े। अल्लाह अकबर। हाँ तो क्या सही है ना? नहीं आपकी ये शक करने में अगर कब जाएगी मुझे ये बताएं। नहीं जी प्यारे मैं घर में ना काम हो रहा है, और ये ना जान छुड़ा के भाग जाता है कि मैं 2-3 घंटे मोबाइल लगाऊंगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, सही तो बात कर रही हूँ, अगर आप घर कितनी ना मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये ना बातें खुद से बना कैसे लेती है। हालांकि प्यारे बहन भाई मैंने ना आपको बताया, मैंने जाना है, जब मैं जाता हूँ ना कहीं पे तो मैं वीडियो बनाता हूँ लाजमी, तो मैंने जाना है, एक तो मैंने ना वहाँ पे जो हमारा लेंटर डलेगा ना वहाँ पे बरामदे के सामने, उसके मैंने लेने सरिये, अच्छा उसके बाद ना गोले लेने हैं जो पिलरों पे आएंगे, गोले एक किस्म के वो लेने हैं, उसके बाद मैंने लेनी है सीमेंट, सीमेंट का सिर्फ एक थैला बचा हुआ है, तो 10 थैले सीमेंट के लेने हैं, अच्छा उसके बाद जो है ना क्या काम करना, हाँ उसके बाद लेने हैं 40 टुकड़े 2-2 फुट के सरिये के, तो और लेनी है 10 फुट बजरी लेनी है, तो मैं जब भी जाता हूँ ना
कोई ना कोई काम होता है, तो ऐसे में फजूल नहीं फिरता। मुझे पता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, मुझे साथ बैठना है। साफ जाहिर है 100 मसले मसाइल 100 काम निकल आते हैं मिस्त्रियों के, तो वो कुछ कोई चीज उनको मांगनी पड़ जाती है, कोई चीज जो है ना उनको देना होता है, कोई सामान वगैरह उन्होंने मंगवाना होता है, तो मैं उनके ना उनके वो काम वगैरह करता रहता हूँ साथ साथ। रोटी वगैरह देनी होती है, चाय वगैरह देनी होती है उनको, तो ये काम करता हूँ। आप ऐसे ही बना लेती हो कि ये घूमने जाता है। घूमने क्या मतलब, ये काम हो रहा है घर में, मैं घूमता रहूँ, ये कौन सी बात है? हाँ तो जल्दी आप चाय पी लो फिर जाओ, बातें नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे भी आपने टाइम वेस्ट किया है, बाजार जाना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट ही करना है, तो ना जल्दी जल्दी ले आना। फिर मुझे कोई पकाने की चीज पर लेके दे के जाओ, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी, फिर ना आपको पता है धूप में बैठना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही मजेदार चाय बनी हुई है, तो मैं कभी कभी पीता हूँ चाय, लेकिन अच्छी लगती है जब अच्छी बनी हुई है ना, फिर मजा आता है पीने का। कल भी हमारे बस्ती में फौजगी हुई है और आज भी फौजगी हुई है, अल्लाह माफ करे। कल नौजवान एक हमारी बहन थी, उसकी जो है ना अचानक से डेथ हुई है, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, लेकिन आज फिर ऐलान हो रहा है। अभी जो है ना नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी समीना मुझे वहाँ पे खड़ी हुई बुला रही थी, यहाँ पे खड़ी थी, तो मुझे कहती है मुझे नीम उतार की ना टहनी उतार के दो, मैंने ना मिसवाक बनाना है, तो अभी इसको यहाँ से नीम काट के देते हैं। तो ये आ गई जी नीम, अभी देते हैं इसको। ये लो, ये नीम। ये देखे चाचू ने ना ये किचन बनवाया, कितना प्यारा है, ये ना सारा सीमेंट का बनवाया हुआ है ना नीचे। हाँ, ये पक्का पक्का फर्श है। हाँ, तो ये ऐसे पानी गिराने से मट्टी भी नहीं होती। हाँ, तो सालन बना रहे हैं क्योंकि पोतकी हुई है ना, तो उनके घर पे देना है ना सालन। अच्छा अच्छा, सही है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि अहमद को पता नहीं क्या हो गया, इसने चश्मा वगैरह लगा लिया है और इसने पैंट शर्ट पहन ली है। तो ये मेरी ओल्ड पैंट थी, पड़ी हुई थी घर में, मैंने काफ़ी अर्सा पहले ली थी इसको। वैसे मैं पहले पैंट शर्ट पहनता था जब मैं मुल्तान में जॉब करता था, फिर मैं अहमदपुर शरकिया में जॉब की, मैं वहाँ पर ना पैंट शर्ट पहनता था। तो अभी जो है ना ये पैंट भी मैंने ना, क्योंकि आपको पता है इसको वो कहते हैं ना इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या होता है, मतलब जो कपड़े होते हैं उनको क्या करना होता है, जो पहन के क्या मतलब? नहीं मतलब कपड़े इस्तेमाल करने होते हैं उनको, फिर क्या करते हैं भला? प्रेस? नहीं मतलब एक किस्म का ना इनको यूज करना है। हाँ, यूज करना होता है। हाँ, यूज करके इनको ना जाया करना होता है, मतलब इस्तेमाल करके ना इनको भुगताना होता है। मुझे नहीं इसकी समझ आ रही क्या करना होता है। तो मैंने ना इसलिए पहना है ताकि ये भी ना कपड़े मतलब एक किस्म के पड़े पड़े खराब ना हो जाए, मैं इनको ना इस्तेमाल करता हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तो इसलिए ना मैंने इनको पहन लिया ताकि मैं जो है ना इनको इस्तेमाल करके ना एक किस्म का खराब करूँ, इनको पड़े पड़े खराब ना हो जाए। हाँ जी। तो मैंने ना इसलिए ना पहन लिया है, पैंट शर्ट पहन ली अपनी, क्योंकि ये आप बताओ ना कि ये पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, मैंने पहन लिए कि ऐसे इस्तेमाल हो जाएंगे। हाँ, मैंने यही कहा है ना। हाँ, तो फ्री है ना ये काम वगैरह तो कर रहे हैं, तो फिर वैसे शॉप पे जाते हैं ना, शॉप पे गर्मी हो जाती है, फिर ये कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो मैंने ना चश्मा लगाया हुआ है मच्छरों के लिए। ये बता रहा है कि आप ये ना समझिएगा कि मैं अमीर हो गया हूँ। नहीं नहीं, बंदा वैसे भी ना बंदे को ना थोड़ा बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए इंसान को, ये तो नहीं है कि अमीर क्या मतलब। नहीं मतलब आप पहले सादगी में घूमते रहते थे ना, तो आज हाँ। आपने पैंट शर्ट पहन ली और अपने बहन भाई को बता रहे हैं कि मैंने ये इस वजह से मैंने वैसे पहनी, खराब ना हो जाते। हाँ, वैसे पहनी है मैंने, लगाया कि मच्छर ना पड़ जाते। हाँ, तो आप बता रहे हो ना अपने बहन भाई किस वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को ना हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी हालत को चेंज करना चाहिए थोड़ा बहुत जितना हो सके। तो जो है ना वो मैंने थोड़ी सी चेंज की है अपनी हालत। हाँ जी, कड़वा है बहुत। अभी घर पहुंच गए हैं और चाय भी मैं लेके आ गया हूं, और ये वाला काम कल का है, तो अभी ना स्टार्ट कर दिया भाई ने उधर से, वो जो दीवार है ना वो मुकम्मल हो चुकी है छत तक, तो अभी ये साइड और ये साइड रहती है, तो ये जो है ना इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना रोशनदान भी लगाने हैं भाईजान, ठीक है ना, वो अभी मैं जा रहा हूँ सामान लोड करवा के ना आ रहा हूँ दूसरा, ठीक है ना। कितना देर लग जाएगी आपको यहाँ पे?
एक घंटा चले जब तक मैं भी आ जाता हूँ। अगर वो रेडे वाले को देर होगी ना तो मैं रोशनदान बाइक पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना, तो वो जल्दी हो जाएगा, है ना भाईजान? ठीक है जी, तो दो और दो चार रोशनदान, ठीक है, हाँ वो मुझे दे दें। एक रोशनदान हमारे पास पड़ा हुआ है, वो एक है लेकिन उसका डिजाइन जो है ना वो चेंज है, तो हम लेंगे अभी इस डिजाइन के, ताकि सारे जो है ना वो सेम डिजाइन के हो जाए रोशनदान हमारे। तो ये जो है ना हमने चेंज करवाना है, ये देखें जी, ये मैं लेके आया था इस कमरे के लिए, लेकिन आराम ने ना इसको तोड़ दिया एक इसका, बाकी एक बचा हुआ है, तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो जी माशाल्लाह देखें कितना प्यारा प्यारा मौसम है, ऊपर बादल भी आए हुए हैं, और मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ आंटी के घर, और ये ना माशाल्लाह मेरी जो ना आंटी की बेटी है, तो अभी मैं आया था यहाँ पे जो चार रुपए के नहीं ऊपर वाले शेरू होते हैं वो लेने के लिए, क्योंकि वहाँ मिस्त्री ने बनाना है गो। तो ये जो होते हैं ना चार पाई के ऊपर सर वाली साइड पे और पाँव वाली साइड पे होते हैं, इनको पावे शेरू कहते हैं हम वैसे, तो ये मैं लेने के लिए गया था, और ये बांधना है ऊपर और गो बनानी है इन्होंने। तो अभी मैं आंटी वाले घर से ना मामू के घर से ये लेके आया हूँ, तो अभी ये लें यार, काफ़ी हैं, चल जाएंगे। अब शेरू इतने ही होते हैं, अब मैंने 10 ही सने थोड़े बनाने थे। हाँ कितने का? 2.5 फुट का है, 3.5 फुट का। फिर उन्होंने चार बाई छोटी बनवाई होगी, हो सकता है। चलें जी अभी जो मिले हैं वो मैं लेके आ गया हूँ भाईजान, मेहरबानी। ठीक है तो अभी हम चलते हैं जी सामान लेने के लिए। अभी जो है ना आटा उतर रहा है देखें, और अब्बू जो है ना वो सामने खड़े हुए हैं आटा लेने के लिए, ये लाल जो है ना पगड़ी वाले। अब्बू ने लिया है आटा और मैंने लिया है यहाँ पे रोशनदान, और कुछ हमारा सामान जो है ना रक्षे में लोड है, तो अभी हम चल रहे हैं वापस और मिस्त्री को दे रहे हैं रोशनदान, उसने जो है ना स्टार्ट करना है दीवार। तो अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, और ये दो रोशनदान मैं लेके आया हूँ, और बाकी दो रोशनदान जो है ना वो मैं मामू के रक्षे पे मैंने रख दिया है, वो मामू लेके आएगा, क्योंकि अगर मैं तीन लेके आता ना चार लेके आता एक दूसरे के ऊपर रखता तो टूट जाने थे, इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो मैं दो लेके जाता हूँ मिस्त्री भाइयों को देता हूँ, तो वो फ़िलहाल जो है ना ये लगाएं और ऊपर काम खींच जाएँ, 10-15 मिनट तक मामू भी आ जाएंगे, फिर दूसरे रोशनदान जो है ना वो लगा देंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना हम पहुंच चुके हैं, तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह पिलर भी स्टार्ट कर दिए। अच्छा ये लें फिर ये रोशनदान, मजाक ना करें, नाराज हो गए आप? यार माजरा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप नाराज हो जाएं, आप हमें कहें कि निकल जाएं यहाँ से घर से और ले जाएं अपने ये रोशनदान, ये तो फिर मदद करने वाली बात होगी ना हमसे, हम भाईजान आपके नौकर ताबेदार आपके। कहा भाई आप झूठ बोल रहे हो, आवाज़ रिकॉर्ड हुई है यार, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो फिर जो बहन भाई हमारे देखते हैं ना वो फिर बताएंगे कमेंट में कि वाकई भाई ने कहा है कि ले जाओ अपने घर, ठीक है, अगर लेट हो गया तो उसके लिए मदद भाईजान माफ़ नहीं करेंगे। चलें जी ठीक है, माफ़ कर दिया। और ऊपर जो है ना देखें बादल आ गए सारे, तो दुआ करें कि जो है ना बारिश ना आए। मोटर चल रही है नहीं चल रही? मोटर स्लो स्लो चल रही है, हाँ क्योंकि बारिश बनी हुई है, ऊपर बादलों ने आसमान को कवर किया हुआ है और सूरज को भी कवर किया हुआ है, इस वजह से ना वो नहीं हो, अभी धूप है नहीं खुद बिल्कुल। तो अभी जो है ना सालन पका रही हो? हाँ जी। किधर पहुंचा है? आलू और बंद गोभी पका रही हो ना? हाँ जी ये देखें आलू और बंद गोभी माशाल्लाह हमारी बन रही है आज, वो बारिश भी ना आ गई है। तो आपने पानी भर लिया था? कौन सा वो मोटर चली ही नहीं सुबह से, क्योंकि बादल थे ऊपर आसमान के ऊपर, तो मोटर जो ना चली नहीं, मैंने पानी भी नहीं भरा, वैसे आधा ड्रम जो है ना वो टैंकी भरी हुई है पानी की आधी। इस्तेमाल हो जाएगा शाम तक? हो तो जाएगा तकरीबन। हाँ तो मैं यहाँ पे आया था ये किल लेने के लिए, क्योंकि मिस्त्रियों को ना किल जरूरत है ये वाला, क्योंकि उन्होंने धागा बांध गया है, इसको लाइन में रखना है। ठीक है आप ना फिर मैं ले जाता हूँ खाना, ठीक है? हाँ बारिश हो रही है, फिर क्या करें? अब क्या करें, जो होगा फिर देखेंगे और क्या, अब बारिश तो मैं नहीं रुकवा सकता। ये लापा का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पिलर भी ना अभी रेडी हो रहे हैं, देखिए बरामदे के
और बरामदे के पिलरों का भी काम स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पर्दियाँ हैं ना ऊपर, ये इसलिए रोक दी हैं क्योंकि रोशनदान मैं नहीं लेके आया था, अभी मैं रोशनदान लेके आया हूँ। तो जब ये पिलर बना लेंगे फिर जो है ना इंशाल्लाह वो वाला काम जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे दो रोशनदान लगवाएंगे और फ्रंट पे भी दो रोशनदान लगवाएंगे ताकि इस कमरे में ना रोशनी आए। तो उस कमरे में भी हमने एक फ्रंट पे लगवाया है, दो रोशनदान बैक साइड पे लगवाए हैं। तो अभी देखें जो हमारा पुराना कमरा है ना उसके रोशनदान नीचे हो गए हैं, तो इनको जो है ना जब हमने इसकी छत उतरवानी है ना तब हम इसके रोशनदान भी ऊंचे कर देंगे तो उसके बराबर जाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी प्यारे बहन भाई अभी ना वीडियो मजी होगी मुकम्मल। तो अभी मैं आया था यहाँ पे खाना लेने के लिए क्योंकि दोपहर का खाना देना है मिस्त्री वालों को। और यहाँ इसमें तक करते हैं वीडियो का एंड, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।